गुड मॉर्निंग यूकेजी, मैथ्स कॉपी ओपन कर लीजिए, पेंसिल इरेजर के साथ रेडी हो जाइए, हम लोग रिवीजन करेंगे बेटा। देखिए ये माइनस का मार्क है, तो ये दो क्वेश्चंस माइनस यानी सब्ट्रैक्शन करने के हैं और नीचे दो क्वेश्चंस मल्टीप्लिकेशन के हैं। ओके, तो टोटल फोर प्रॉब्लम्स हैं आपके सामने। अब देखिए, कई बार कराया है, मैं फिर बता रही हूं, फिर करा रही हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। 8 माइनस 4 करना है, हमेशा यूनिट्स के साइड से करना स्टार्ट करते हैं। ये यूनिट्स का डिजिट है, फिर टेंस का डिजिट होता है, फिर हंड्रेड्स का डिजिट होता है, ठीक है? तो यूनिट के साइड से करना हमेशा स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 8 माइनस 4, 8 जो है वो बिगर नंबर है, बड़ा नंबर है। कैसे बड़ा है समझिए, आपको मैंने 8 लड्डू दिया, ठीक, और आपके छोटे भाई को 4 लड्डू दिया, किसको ज्यादा मिला है? 8 लड्डू ज्यादा होता है ना, 8 मतलब क्या, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, और 4 मतलब क्या, 1 2 3 4, तो कौन सा ज्यादा है तुम बताओ? 8 वाला ज्यादा है ना, तो जब 8 वाला ज्यादा है तो यानी 8 बिगर नंबर हो गया। 8 में से तो हम 4 आसानी से ले सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, 1 2 3 4 4 ले लेंगे, तब पर भी बचेगा हमारे पास। तो जब बिगर नंबर ऊपर हो, देखिए 8 बिगर नंबर है, 4 स्मॉलर नंबर है। जब बिगर नंबर ऊपर होता है बेटा सब्ट्रैक्शन में, तब हमें कोई बोरो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 8 में से 4 आसानी से माइनस हो जाएगा। कैसे होगा? आफ्टर 4 काउंट करोगे 8 तक, आफ्टर 4 5 6 7 8, यहां तक आया। अब इसको ऐसे करो, 1 2 3 4, ठीक है? अब मैंने बोरो तो किया नहीं है, 7 में से 2 मुझे माइनस करना है, ठीक है? तो आफ्टर 2 काउंटिंग करेंगे, कहां तक? 7 तक। आफ्टर 2 3 4 5 6 7, अब इसको 1 2 करके काउंट करो, 1 2 3 4 5, ये हो गया बेटा, ठीक। अब 6 में से 1 माइनस करना है, तो आफ्टर 1 काउंटिंग करेंगे कहां तक? 6 तक। तो आफ्टर 1 2 3 4 5 6, यहां तक हुआ। अब इसको 1 2 करके काउंट करिए, 1 2 3 4 5, ये 5 आ गया। ओके, अब इस क्वेश्चन को देखिए, 8 में से 9 लेना है, जाहिर सी बात है काउंटिंग करते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बाद में आ रहा है, जो बाद में आता है वही ना बिगर नंबर होता है। अब देखो, तुमने कहा 1, ये 1 हो गया, 2 2 हो गया, 3 1 2 3 हो गया, 4 1 2 3 4 हो गया, 5 1 2 3 4 5 हो गया, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और 5। देखो जो नंबर बाद में आता है उसमें ज्यादा लड्डू है ना, तो जो बाद में आता है वो बिगर नंबर है और जो पहले आता है वो स्मॉलर नंबर है। जैसे 1 और 3 में कौन स्मॉलर है? 1 में तो बस इतना ही लड्डू है, 3 में इतना लड्डू है, तो 1 और 3 में 1 स्मॉलर है, 3 बिगर है, बिगर यानी कंपैरेटिवली बड़ा, स्मॉलर कंपैरेटिवली छोटा, दो में जब कंपेयर कर रहे हैं, दो नंबर्स में, टू नंबर्स में। तो 8 और 9 में देखो, 9 बाद में आता है, 8 पहले ही आ जाता है, तो 8 स्मॉलर नंबर है। आपके पास केवल 8 टॉफी है और मैं आपसे 9 टॉफी मांग रही हूं, तो आप कहां से दोगे? आप पड़ोसी से उधार लोगे, ठीक है, बोरो करोगे। तो आपने बोरो किया,
हमेशा बोरो जब भी करेंगे तो आपको वन मिलेगा यहाँ से, तो वन का मतलब 1818 हो गया, ये टेंथ प्लेस है, टेंथ प्लेस से आप वन भी ले रहे हो इसका मतलब कि 10 हो गया, 1818 ऐसे समझिए, 1818 में से आपको 9 माइनस करना है, तो आप आफ्टर 9 काउंटिंग करोगे 18 तक, तो आफ्टर 9 10 11 देख रहे ना, आफ्टर 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ऐसे कर लिए। अब क्या करें, अब 1 2 करके देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ गड़बड़ हुई है, फिर से देखते हैं, आफ्टर 9 काउंटिंग करेंगे 18 तक, तो आफ्टर 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 यहीं तक बेटा आएगा, ठीक है। अब इसको 1 2 करके काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहां तक हो गया, ये 9 हो गया। अब 3 में से आपने 1 बोरो कर लिया था तो 2 ही ना बचा, देखो ये 3 है, 3 में से आपने 1 बोरो कर लिया है, ये 3 फिंगर्स थी, 3 में से 1 हटा दिया तो कितना बचा, 2 ही बचा ना, तो 2 में से 2 माइनस करना है। आपके पास 2 टॉफीज हैं और मैं आपसे 2 टॉफीज मांग लूं तो आपके पास क्या बचेगा, कुछ भी नहीं, नथिंग मींस 0। जब भी सेम नंबर को, जैसे 2 है और वही सेम नंबर 2 ही माइनस करें तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब 9 में से कुछ भी बोरो नहीं किया गया है, ठीक है, 9 में से 1 आपको माइनस करना है तो आप आफ्टर 1 काउंट करोगे 9 तक, आफ्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ठीक। अब इसको देखिए, फिर से मल्टीप्लिकेशन सीखिए, 5 से मल्टीप्लाई करना है, हमेशा इधर से स्टार्ट करते हैं यूनिट साइड से, 5 8 40 टेबल नहीं लर्न रहेगा, कुछ नहीं कर पाओगे, इसलिए टेबल लर्न करना जरूरी है, 4 0 40 बहुत बच्चे 14 और 40 में कंफ्यूज करते हैं, बेटा 1 4 14 ना है लास्ट में, 1 4 14 और 4 0 40 FORTY 40, 5 8 40 अब ये 4 ले लो फिंगर पे, कैरी ओवर जो है 1 2 3 4 यहां ले लिए फिंगर पे, अब 5 7 35 में ये 4 प्लस करना, तो कैसे करें, 35 के आफ्टर काउंटिंग करें, 35 था 36 37 38 39 तो 3 9 39 ठीक है। अब ये 3 1 2 3 ले लीजिए, अब 5 6 30 31 32 33 ये बेटा हो गया आपका 33, ठीक है। तो इस तरह से करिएगा और अब होमवर्क आप अपना देख लें, यूकेजी सबसे पहले आपको डेट डालना है 12/1/21 ठीक है, फिर इंग्लिश में देखिए क्या होमवर्क है, फर्स्ट होमवर्क है ग्रामर पेज 36, वॉच द वीडियो, वीडियो जरूर देखिए, लर्न एंड राइट पेज 36 एक्सरसाइज 1। यदि बिना वीडियो देखे आप केवल कॉपी में राइटिंग कर लेंगे बुक से देख के तो कोई फायदा नहीं है, कुछ भी आपके समझ में नहीं आएगा, इसलिए प्लीज वॉच द वीडियो एंड पेरेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू लेट द स्टूडेंट्स वॉच द वीडियो प्लीज। पिक्चर डिक्शनरी में पेज 32, लर्न एंड राइट एनी 5, हिंदी पेज 29 एक्सरसाइज 1 2 3 लर्न एंड राइट, और मैथ्स में प्रॉब्लम दिए गए हैं और टेबल है 13 और 14 का, लर्न एंड राइट। दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे, थैंक यू स्टूडेंट्स।